नर्मदापुरम जिले में शीतलहर का असर बना हुआ है। पूरे जिले में सर्दी बढ़ रही है, ऐसे में लोगों को अपने भगवान की चिंता भी सताने लगी है। वे प्रतिमाओं को ऊनी कपड़े पहना रहे हैं। भक्तों का मानना है कि उनकी तरह उनके आराध्य को भी ठंडी लग रही होगी, जिसके चलते शिव ने मालवा तहसील के हनुमान मंदिर में भी हनुमान जी महाराज को गर्म सौल ओढ़ाई। साथ साथ राम दरबार में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी माता को भी सौल ओढ़ाई। मंदिर में विराजे बांके बिहारी की राधा रानी को भी सौल उड़ाई। मंदिर के पुजारी संतोष शास्त्री का कहना है कि भक्तगण अपने आराध्य की भी चिंता करने लगे हैं। सिवनी मालवा में इन दिनों तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतने तापमान में लोगों को भी परेशानी होती है, इसलिए भगवान की प्रतिमाओं को गर्म और ऊनी पोशाक पहनाई जा रही है। मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद माना जाता है कि प्रतिमा में भी प्राण है, इसलिए प्रतिमाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। हनुमान मंदिर में भी भगवान को गर्म कपड़े पहनाए हैं। पुजारी संतोष शास्त्री ने बताया कि करीब 20 साल पहले भक्तों ने प्रतिमाओं को ऊनी कपड़े पहनाना शुरू किया, इसके बाद से परंपरा सा बन गया है। हर साल कोई ना कोई भक्त भगवान के लिए शॉल या ऊनी कपड़े भेंट कर देता है, जिसे प्रतिमाओं पर ओढ़ाया जाता है। यदि कोई भक्त वस्त्र दान नहीं करता है तो मंदिर समिति ही इसकी व्यवस्था कर लेती है। भक्त विकास पाठक ने बताया कि जिस तरह भगवान को भोग लगाते हैं तो हमारी आस्था होती है कि हमारे चढ़ाए गए भोग को भगवान ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जब हमें ठंड लगती है तो हमें आस्था रहता है कि भगवान को भी ठंड लगती होगी, इसलिए भगवान को भी जाड़े में ऊनी वस्त्र पहनाते हैं। वहीं गर्मियों में एसी और पंखे भी लगाते हैं। जाड़े में गर्म तसारी वाले पकवान भोग लगाए जाते हैं। वो साल उड़ाई गई क्योंकि ये ठंड का मौसम, ठंड आ चुकी है पूर्ण रूप से, और ये तो अपनी अपनी भावना है